जी तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया कि आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें जस्ट आप लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके घर बैठकर ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारा काम आपने कैसे करना है, उसके लिए मैंने गूगल में यहाँ पे देख लें स्पीक टी लिख के वेबसाइट का नाम सर्च कर लिया। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्पीक टी ट्रांसलेशन सर्विसेज फास्ट ऑनलाइन प्रोसेस। जी बेसिकली यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेशन का काम किया जाता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की जाती है और ट्रांसलेशन की जॉब्स मौजूद हैं जी, जो कि आप लोग गूगल ट्रांसलेटर से भी ये काम कर सकते हैं। बड़ा ही आसान काम है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम देख लें, यहाँ पे देख सकते हैं वी आर ट्रांसलेट। उसके बाद प्राइसिंग का एक टैब बना हुआ है, उसके बाद अगर आप लोग नीचे देखें तो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं इन लोगों की देखें, और उसके बाद इनके रिव्यूज़ चेक कर लें। इनके पार्टनर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ पे देखें कि ये लोग कैसे काम करते हैं। अपलोड फाइल और पेस्ट योर टेक्स्ट, देन उसको ये लोग ट्रांसलेट भी करते हैं, उसको स्पीक मतलब टेक्स्ट में, स्पीक से टेक्स्ट में भी और टेक्स्ट से स्पीक में भी ये लोग मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके ट्रांसलेटर देख लें। अब आपने यहाँ से पैसा कैसे कमाना है, कैसे यहाँ पे काम करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका डैशबोर्ड ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद इनके आप लोग रिव्यूज़ चेक कर लें फेसबुक पे, गूगल पे, ट्रस्ट पायलट पे। उसके बाद जितने वर्ड यहाँ तक ट्रांसलेट कर चुके हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जी। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, इसमें सबसे लास्ट पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर, मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसलेटर के तौर पे। अब आप भी इनके साथ मिलके काम करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसलेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेटर से भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं जी। यहाँ पे देखें तो कैसे काम करना है, सबसे पहले साइन अप करना है तो गेट रिव्यूड बाय आवर। अच्छा यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे काम करने के, यहाँ पे देखें पेपाल के ज़रिए मिलेंगे, और उसके बाद आपको आईबीएन नंबर मतलब कि आपको बैंक ट्रांसफ़र से भी पेमेंट मिल सकती है जी। आपको जॉब्स के कैसे मतलब मिलेंगी, आप लोगों को 24 आवर्स के अंदर ही पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो अकाउंट बनाया है उस पे आप लोगों को कैसे जॉब मिलेंगी जी। तो ये सारा कुछ करने के बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखा सकूँ तो यहाँ पे लिखा बिकम आ ट्रांसलेटर, इसके ऊपर मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपको काम का तरीका समझ आएगा कि आप लोगों ने कैसे काम करना है, उसका क्या तरीका कर रहे जी। इसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को जो अर्निंग होगी पर वर्ड की वो 3 सेंट से 6 सेंट के दरमियान होगी जी। मतलब अगर आप लोग 100 वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे $3 से $6 दिए जाएंगे जी। उसके बाद एक्सपर्ट किन किन लैंग्वेजेस में, आप सबसे पहले वो दो लैंग्वेज बताएंगे, तो यहाँ मैंने बता दिया उर्दू और उसके बाद इंग्लिश में, मतलब ये दो लैंग्वेजेस में मैं एक्सपर्ट हूँ। इसके बाद अब किन लैंग्वेजेस में मैं इनको ट्रांसलेट करके दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे बताया कि मैं उर्दू से ट्रांसलेशन स्टार्ट करूँगा। किन किन लैंग्वेजेस में मैं कर सकता हूँ, तो मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो मैंने यहाँ पर चाइनीज़ सिंप्लीफाइड लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया जी। अब इसके बाद मैं अगर कोई और लैंग्वेज चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं देन फिर से टारगेट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं अरेबिक चूज़ कर लूँगा और इसको भी मैं यहाँ से ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर लूँगा। इस तरीके से आपको जितनी भी लैंग्वेजेज आती हैं आप यहाँ पर उनको ऐड कर लेंगे। स्किल्स जो है वो कौन सी है, तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन की लिखूँगा, आई प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करूँगा, फेक सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं जी। इसके बाद क्योंकि काम सारा आपने गूगल ट्रांसलेटर से या चैट जीपीटी से जिससे भी आप ट्रांसलेशन करवा लें आप कर सकते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे फर्जी तौर पे कोई भी सॉफ्टवेयर रख लें जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं, सिर्फ शो कराने के लिए एक दफ़ा चेक कर लें साइन अप पेज। आप लोगों ने ध्यान से अगर फिल आउट कर लिया, वेरीफाई कर लें, तो यहाँ से कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो देखें जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया तो सेकंड ऑप्शन आ गया प्रोफाइल का, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेट करें। तो यहाँ पे देखें अबाउट में दिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नीचे अगर आप लोग देखें तो डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन था, इसमें से आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे तभी आपका अकाउंट यहाँ पर बनेगा और वेरीफाई होगा जी। उसके बाद नीचे अबाउट मी है, तो इसमें आप लोग अपने काम के हवाले से कुछ भी यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ कि आई एम आ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर।
आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है, किसी से पूछ के भी ऐड कर सकते हैं। देखें, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, जी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ये सारा कुछ करने के बाद नीचे देखें फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड, देखें सारा कुछ लिखा आ गया है। इसके बाद ये दो ऑप्शंस आप लोग खाली छोड़ दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा आप लोग चेक कर लें तो इसको कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो देखें थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ गया। वो लोग कह रहे हैं कि अब अपना अकाउंट इसमें ऐड करें। तो अकाउंट क्या मतलब कि आप यहाँ पे अब अपना लॉगिन बनाएं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट करना है, आप लोग देख सकते हैं मैंने एक यूनिक सा यूज़र नेम क्रिएट कर लिया है। उसके बाद ईमेल मैंने अपना लगा दिया, पासवर्ड यहाँ पे मैं सेट करूँगा कि मिक्स पासवर्ड, जिसमें 4 अल्फ़ाबेट्स 4 न्यूमेरिक्स और एक स्पेशल करेक्टर होगा। वो करने के बाद मैंने यहाँ पे देखे इसकी स्ट्रेंथ मीडियम है, तो आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे देखें ओके हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया देखें वो लोग कह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास आ चुकी है, अब आपको हम शॉर्टली ही बता देंगे कि आपका जो भी डाटा हमारे पास आया वो अंडर रिव्यू रहेगा, कि उस डाटे की बिना पर आपका अकाउंट हम लोग अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे सारी चेक कर सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है जी। तो चलते हैं चेक करते हैं कि इनकी तरफ से कोई मेल तो नहीं आई, तो देखें यहाँ पे मेल आई हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, कि आपके रजिस्ट्रेशन का थैंक यू, आपकी एप्लीकेशन तो हमारे पास आ चुकी है, अब वो हमारे पास अंडर रिव्यू रहेगी, जैसे ही वो अप्रूव होगी हम आपको बाय मेल आपको आगाह कर देंगे और आपका डैशबोर्ड बन जाएगा जहाँ से आप लोग अपनी सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद बड़ी कि आपको मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी इस तरह की आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।